व्हाट्स अप गाइस गाइस आज बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। गाइस मैं 3 मंथ से क्रिएटिन यूज़ कर रहा था एंड गाइस मेरी बॉडी में क्या चेंज है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी एंड कुछ साइड इफेक्ट भी मुझे देखने को मिले वो आपके साथ शेयर करूंगा एंड कौन सा फॉर्म मैं क्रिएटिन कर लेता हूँ एंड आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस मुझे गेनिंग करनी थी सो आई डिसाइडेड टू बाय क्रिएटिन, क्योंकि गाइस अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको कोई भी प्रोफेशनल बंदा या कोई प्रोफेशनल ट्रेनर आपको क्रिएटिन ही सजेस्ट करेगा, क्योंकि बहुत ही सस्ता होता है एंड मोस्ट इफेक्टिव होता है। क्रिएटिन लेने से पहले कुछ इस तरह था मैं और गाइस क्रिएटिन लेने के बाद 3 मंथ के बाद कुछ इस तरह था। जब मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया आफ्टर 10 to 15 days मुझे मेरी स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया एंड आफ्टर 1 month गाइज मुझे मेरे साइज में भी काफ़ी कुछ डिफरेंस नज़र आया। ऐसा क्यों होता है? जब क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हो इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ ATP इन योर बॉडी। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। जब आप क्रिएटिन लेते हो तो ATP का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आपकी एनर्जी बढ़ती है एंड गाइज आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी एंड ऑब्वियसली बात है जब आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप हैवी वेट लिफ्ट कर पाओगे जिम में, आपकी मसल का साइज बढ़ने लगेगा। क्रिएटिन का एक और काम है, हेल्प्स ब्रिंग्स वाटर इनटू द मसल्स, दिस ट्रिगर्ड द ऑस्मोटिक सेंसर ऑफ योर बॉडी एंड जैसे ही ऑस्मोटिक सेंसर को सिग्नल जाता है आपकी बॉडी में एनाबॉलिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है, आपकी मसल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। पहला है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, गाइस सबसे पहले आया था, सबसे ज्यादा रिसर्चेस पे हुई है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड गाइस बहुत सस्ता है, अभी ये यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा सेफ है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आने के बाद कुछ कंपनी ने सोचा इसको कैसे महंगा किया जाए, तो गाइस उन्होंने और भी फॉर्म निकाले क्रिएटिन के, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन लिक्विड और क्रिएटिन इथाइल ईस्टर। मेरी सजेशन मानो तो गाइस अगर आपको क्रिएटिन लेना है तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लेना, बहुत ही सेफ है, बहुत इफेक्टिव है एंड गाइस बहुत सस्ता है। 600 रुपये का पड़ता है, 250 ग्राम का पैक है। गाइस अगर आप डेली 5 ग्राम लेते हो, गाइस ये 3 ग्राम का स्कूप है इसका, गाइस थोड़ा सा ऊपर लेना है 5 ग्राम, अगर आप 5 ग्राम डेली लेते हो तो गाइस तब भी आपका 2 मंथ आराम से चल जाएगा। कोई प्रमोशन वोशन नहीं कर रहा हूँ मसल बेस का, ठीक है, सस्ता पड़ता है, बोहरी गलत तुम लोग देखते तो हो नहीं तो घंटे का प्रमोशन मिलेगा। मैं क्रिएटिन को अपने पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन के साथ मिक्स करके पीता हूँ, गाइस रिसर्च भी यही कहती है। बाय जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पोस्ट वर्कआउट इज द बेस्ट टाइम टू टेक इट। स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसे लेने का, आप वर्कआउट के पहले भी ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं क्रिएटिन कितना लेना चाहिए। मैं 3 मंथ से क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने कभी लोडिंग नहीं की। गाइस लोडिंग क्या होता है, जब आप 15 से 20 ग्राम क्रिएटिन डेली लेते हैं फॉर 7 to 10 days, आफ्टर 7 to 10 days आपकी मसल स्टोर्स बहुत जल्दी क्रिएटिन से सैचुरेट हो जाती है। गाइस लोडिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप गाइस 5 ग्राम पर डे ले सकते हैं। गाइस मैं भी 5 ग्राम पर डे ही लेता था क्रिएटिन। आप जल्दी में, आपको क्रिएटिन के रिजल्ट जल्दी चाहिए तभी आप लोडिंग करें, अदरवाइज लोडिंग ना करें, आप डेली 5 ग्राम पर डे लें क्रिएटिन, आपके मसल्स 28 डेज के अंदर सैचुरेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं मुझे क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिले। सबसे पहला है क्रैम्प। जब मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया तो मैं पानी बहुत ही कम पी रहा था, जितना डेली पीता था उतना ही पी रहा था, तो गाइज मुझे कुछ क्रैम्प समझ में आने लगे हल्के, तो गाइज मैंने वाटर का इंटेक ज़्यादा कर दिया। मैं पहले 3 लीटर पानी पीता तो मैं 4 लीटर पीने लगा, उसके बाद मुझे कभी क्रैम्प समझ में नहीं आया। सो आई वुड रिकमेंड 500 ml to 1000 ml ओवर व्हाट यू हैविंग ऑलरेडी। अगर आप 2 लीटर पानी पी रहे हो दिन में तो 3 लीटर कर दीजिए, 3 लीटर पी रहे हो तो 4 लीटर कर दीजिए, क्योंकि गाइज क्रिएटिन पानी को आपकी मसल के अंदर खींच लेता है। दूसरा है हेयर लॉस। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस होता है। गाइज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, 3 महीनों में मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ मुझे हेयर लॉस बिल्कुल भी नहीं आया। गाइज अगर आपके हाथ फिरने में 1-2 बार आ जाते हैं तो गाइज वो नॉर्मल है। तो गाइज अगर आपके जेनेटिक्स में आपके दादा के आपके पापा के हेयर लॉस होता है तो गाइज माइट भी आपको हो सकता है। अगर आपको हेयर फॉल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड है किडनी डैमेज। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, आप किसी से बताओगे आप क्रिएटिन ले रहे हो वो यही बोलेगा क्रिएटिन मत ले किडनी डैमेज हो जाएगी। क्रिएटिन इज प्रोसेस इन द किडनी। जब क्रिएटिन यूज होता है उसके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ऑल क्रिएटिनाइन, वो आपकी यूरिन के थ्रू एक्सीड होता है, इसलिए जब किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो आपके क्रिएटिनाइन लेवल बड़े होते हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पहले से किडनी की कोई दिक्कत है तभी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रिएटिन इज वेरी सेफ।